सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। और बात करते हैं लव गुरु की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान इमरान खान लड़कियों के बीच हमेशा से ही पॉपुलर रहे हैं। लड़कियों में उनको लेकर दीवानगी 1971 से शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब उन्होंने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। एक बेहतरीन बॉलर और बैट्समैन होने के साथ साथ वो जहां भी जाया करते थे लड़कियां उन पर लट्टू हो जाया करती थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस दीवानगी का फायदा इमरान खान ने भी जमकर उठाया था और के रिश्तों के चर्चे एक्ट्रेस से लेकर धार्मिक गुरु तक रहे। आइए नजर डालते हैं इमरान की इश्क, प्यार और धोखे की पूरी कहानी पर। इमरान जब ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे तब उनकी मुलाकात बेनजीर भुट्टो से हुई थी। कहा जाता है कि इमरान और बेनजीर का रिश्ता काफी लंबे समय तक चला था। इसके अलावा इमरान की बायोग्राफी लिखने वाली क्रिस्टोफर स्टैनफोर्ड ने दावा किया था कि बेनजीर की मां ने उनकी शादी की बात भी की थी। उनका मानना था कि दोनों एक बेहतरीन जोड़ा साबित होंगे, लेकिन इसका पता लगाना मुश्किल है कि दोनों ने अलग अलग रास्ते क्यों चुने। बताया जाता है कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान इमरान का रिलेशन एम्मा सरंगेट के साथ भी बना। इमरान और एम्मा सरंगेट का रिश्ता तकरीबन 4 साल तक चला। एम्मा एक अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट भी हैं, जहां इमरान नाकामयाब होते हुए दिखे। इमरान का पहला इश्क और पहला प्यार थी भारत की मशहूर एक्ट्रेस जीनत अमान। क्रिकेटर बनने के बाद जब इमरान पहली बार भारत दौरे पर आए तो मीडिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया। उन्हें भारतीय अखबारों के पहले पेज पर छापा जाता था, लेकिन जब उनकी मुलाकात एक पार्टी में जीनत अमान से हुई तो ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई और कुछ दिनों बाद उन दोनों के इश्क और प्यार के चर्चे खूब हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान और जीनत लंदन में एक दूसरे से कई बार मिले। ये वो समय था जब इमरान जीनत से शादी करने का मन बना चुके थे, लेकिन जीनत की मर्जी कुछ और ही थी। कहा जाता है कि जीनत इंडिया और इंडियन सिटीजनशिप नहीं छोड़ना चाहती थी। इमरान की काफी कोशिशों के बाद जब जीनत की ना हाँ में नहीं बदली तो दोनों ने अपने रिश्ते को खत्म करने में ही अपनी भलाई समझी। इन सब लव, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में नाकामयाबी पाकर इमरान ने सीता वाइट का दामन थामा और खूब चर्चा बटोरी। सीता आधी हिंदू और आधी क्रिश्चियन थी और उनका ये रिश्ता काफी दुखद रहा, जिसमें उन्हें कोर्ट के चक्कर तक लगाने पड़े। आपको बता दें कि इमरान को सीता से एक बेटी टाइना भी है, जिसको शुरुआत में इमरान ने अपनाने से मना कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने टाइना को इमरान का बायोलॉजिकल पिता माना। और यहाँ भी इमरान की लव स्टोरी समुद्र में जहाज की तरह डूबती हुई नजर आई। डूबते जहाज को बचाने के लिए इमरान ने जेमिमा गोल्डस्मिथ से शादी करने का फैसला लिया। वहीं उन्होंने जेमिमा से वही शर्त रखी जो उन्होंने जीनत अमान के सामने कई साल पहले रखी थी। जेमिमा ने इमरान की शर्त मानी और इस्लामी धर्म को स्वीकार कर पाकिस्तान तक आ गई, जिसके बाद इमरान की जिंदगी जुगनू की तरह जगमगाती हुई नजर आने लगी। इस रिश्ते में इमरान को जेमिमा से 2 बेटे सुलेमान, ईसा और कासिम हुए, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों की जिंदगियों में तूफान की लहर फिर दिखाई दी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे के बाद तलाक लेने का फैसला लिया। वहीं जेमिमा से तलाक के बाद इमरान ने ब्रिटिश पाकिस्तानी पत्रकार रेहम खान से विवाह किया। बताया जाता है कि रेहम 3 बच्चों की मां है, लेकिन रेहम और इमरान का ये रिश्ता भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। रेहम ने इमरान पर जान से मारने के संगीन आरोप लगाए। आपको बता दें कि रेहम ने इमरान के दामन पर दाग लगाते हुए एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने इमरान के दामन से जुड़े कई कंट्रोवर्शियल खुलासे किए, जिसमें रेहम ने इमरान की पोल खोलते हुए कहा कि इमरान के 5 नाजायज बच्चे हैं और साथ ही वो अपनी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी फिजिकल रिलेशन में रहे हैं, जिसके बाद इमरान के दामन पर ऐसे दाग लगे जिसे मिटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो गया। गाड़ी की रफ्तार को धीमी करते हुए इमरान ने 2018 में अपने आध्यात्मिक सलाहकार बुशरा मेनका से निकाह किया। बताया जाता है कि बुशरा के पहले से ही 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 3 बेटियां हैं।
अब बुशरा मेनका से नेकहा के बाद लगता है कि इमरान की गाड़ी पर लगाम लगी है, लेकिन अभी भी कुछ भी दावे से कहना खुद को गलत साबित करना होगा। तो ये है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, या फिर ये कहें पाकिस्तान के लव गुरु, जिनकी पूरी जिंदगी निजी कामों के बजाय लव, इश्क और धोखे में गुजर गई। लेकिन अब ना जाने कब और कहां इमरान को बुशरा मेनका के लिए गाना पड़े कि राम दुलारी मायके गई, जोरू प्यारी मायके गई, खटिया हमारी खड़ी कर गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज।